नमस्कार, आज की खबरों पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहली खबर इजराइल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आज भारत दौरे का दूसरा दिन है। वे आज दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद इजरायली पीएम राष्ट्रपति भवन से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि आज दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इजरायल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साझा प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इनमें निवेश, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक को लेकर समझौता हुआ। वहीं एविएशन सेक्टर, आयुर्वेद होम्योपैथ को लेकर भी समझौता हुआ। इसके अलावा सोलर थर्मल तकनीक और फिल्मों को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पार्टी की कमान संभालने के बाद से राहुल गांधी का पहला अमेठी दौरा है, लेकिन उनके अमेठी पहुंचने से पहले ही एक पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर में राहुल गांधी को राम और पीएम नरेंद्र मोदी को रावण के रूप में दिखाया गया है। इस पोस्टर के नीचे अभय शुक्ला का नाम लिखा है, जिसने खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं बताया, सिर्फ अपने नाम के आगे अभय शुक्ला गौरीगंज अमेठी लिखा है। इधर जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने 6 फिदायीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन को भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा टीम ने अंजाम दिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रघुनाथ झा का निधन हो गया है, वे किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे। 78 साल के रघुनाथ झा का दिल्ली के रामनवर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा था। 1972 में पहली बार विधायक बने स्वर्गीय झा 90 के दशक में बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे भी रघुनाथ झा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहीं उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक लड़की आकांक्षा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उसने पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है। इस पत्र में बच्ची ने पीएम से उत्तराखंड के करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित नगर पंचायत गैरसैंण को राजधानी बनाने की भी विनती की है। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, जंगली जानवरों के आतंक जैसे गंभीर मुद्दों को चिट्ठी के माध्यम से बताया गया है। बिग बॉस सीजन 11 में शिल्पा शिंदे ने बाजी मार ली है। पुरस्कार के तौर पर उन्हें 44 लाख रुपए मिले, जबकि इनाकान सेकंड विनर रही। बता दें कि हिना शिल्पा से कम ही वोटों से हारी, लेकिन उन्होंने अंत तक बराबर की टक्कर दी। शो की होस्टिंग बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने की। विकास गुप्ता इस सीजन में 6 लाख रुपए जीतकर तीसरे स्थान पर रहे। अब खबर खेल के मैदान से। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब रही। KL राहुल 10 रन बनाकर मॉर्गल की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे। अगली गेंद पर पुजारा बगैर कोई रन बनाए रन आउट हो गए। इससे पहले दिन के पहले सत्र में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम पहली पारी में 335 रन बनाकर आउट हो गई।